हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बिबल स्नफ सिंह। इस चैनल पर हम नॉर्थसाट के रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम सबसे पहले आप सभी को पहुंचा देंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो अब की एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपने जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो उसके साथ एक फ़ाइल डाउनलोड की होगी। तो जो हमेशा जो न्यू कैंडिडेट्स होते हैं, मैं भी जब पहली बार एग्ज़ाम देने गया तो मेरे मन में भी काफ़ी डाउट्स थे भी क्या क्या लेकर जाना है एंड किस किस से वहाँ पर एंट्री होगी एंड क्या क्या कैसा वहाँ पर माहौल होगा, क्या हिसाब किताब होगा, कैसे बायोमेट्रिक करनी है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिट कार्ड के रिलेटेड। तो एडमिट कार्ड भाई जब भी हमने निकालने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने आईपी एड्रेस, डेट एंड टाइम मेंशन किया होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर स्पेशल ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है हर बार। एंड आप सभी ने आईपी एड्रेस अपना देखना है, डेट देखनी है, टाइम देखना है, ठीक है, ये मैंडेटरी है आपके एडमिट कार्ड पर, ठीक है। एंड ये पहली इंफॉर्मेशन है। एंड देन आपके पास एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप कोई भी आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल लेकर जाना है आपने, ये नहीं कि फ़ोटो कॉपी ले गए, ठीक है, आपने आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप ई आधार कार्ड प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है, ओरिजिनल। एंड देन देयर इज़ पासपोर्ट भी आप ले सकते हो एंड वोटर आईडी भी चल सकती है एंड पैन कार्ड भी, ठीक है। तो आपने जिस पर आपकी कोई फ़ोटो लगी हुई हो, ठीक है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप इनमें से देख लेना, 6 इन्होंने दिए हुए हैं। आपके पास अगर कोई भी ओरिजिनल है एंड उस पर आपकी पिक लगी हुई है तो आप वो ले जा सकते हो अपना वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। एंड एडमिट कार्ड की बात करें तो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि हमने ब्लैक एंड वाइट निकालना है या फिर कलर निकालें, ठीक है, तो भाई कोई भी निकालो लेकिन वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है प्रिंट्स शुड बी सच फोटोग्राफ्स रिस्पेक्टिव क्वालिटी ऑफ पेस्टेड फोटोग्राफ एंड ऑल डिटेल्स आर क्लियर, ऑल्सो क्लियर कलर प्रिंट्स आर प्रेफरेबल, इवन क्लियर ब्लैक एंड वाइट प्रिंट्स आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। अगर आप ब्लैक एंड वाइट भी निकालते हो एडमिट कार्ड तो वो भाई क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आपकी पिक दिखनी चाहिए उसमें, आपके जो साइन किए हुए हैं वो सारा का सारा उसमें अच्छे से क्लियर दिखना चाहिए। तो आप कोई भी निकाल सकते हो, आप कलर निकालना चाहते हो कलर निकाल सकते हो, ब्लैक एंड वाइट निकालना चाहते हो ब्लैक एंड वाइट निकाल सकते हो, ठीक है। एंड देन हम इसमें बात करेंगे और हमने क्या क्या नहीं लेकर जाना, ये तो आप सभी को पता होगा, आपने बहुत से एग्ज़ाम दिए होंगे कि हमने मोबाइल फ़ोन और नहीं लेकर जाना है। एंड बेसिकली इसमें हम और क्या नहीं लेकर जाना है, हमने एक तो कोई हमने कुछ नहीं लेकर जाना, हमने सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें लेकर जानी है, ठीक है। आपने ये नहीं, आपने पेंसिल उठा ली, पेपर उठा ली, कुछ नहीं लेकर जाना, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ टू चीज़ वहाँ पर, दो चीज़ें ही वहाँ पर लेकर जानी है। एक तो अपना वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, चाहे आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, सिर्फ एक, ठीक है, अपना ओरिजिनल वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ एंड देन आपने एक जो आपने एडमिट कार्ड निकाला है वो, ठीक है, बस दो चीज़ें आपने वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर में लेकर जानी है और कोई चीज़ आपकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड देन इन्होंने और क्या बताया हुआ है, एंड ड्रेसिंग में इन्होंने यही बताया हुआ है कि सीज़न के अकॉर्डिंग आपने पहन कर जाना है, ये नहीं कि आप मफलर पहन लो, ठीक है, कैप्स पहन लो, गॉगल्स लगा कर चाहो, ठीक है, रिस्क बैंड कोई भी ऐसे नहीं पहनना, ठीक है, नॉर्मल एज कपड़ों में जाना है आपने। एंड अगर आप शूज़ पहनना चाहते हो, कई बार ये शूज़ अलाउ कर देते हैं, कई बार ये नहीं अलाउ करते, सो आप कोई भी अपनी चप्पल्स पहनकर, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स आप पहनकर चले जा सकते हो, ठीक है, कोई भी सैंडल्स अपने पहनकर चले जा सकते हो। एंड क्या आपने कैरी करना है साथ में, इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, ओरिजिनल क्लियर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड एंड वैलिड प्रूफ, ठीक है, ये सिर्फ दो चीज़ें आपने वहाँ पर कैरी करके लेकर जानी है। एंड जाने के बाद पिछली बार जब मैं गया था तो सबसे पहले उन्होंने एज ए चेकिंग की थी सारी की सारी, ठीक है, जैसे वो करते होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, देन उन्होंने बायोमेट्रिक ली थी, ठीक है। बायोमेट्रिक में वो बेसिकली आपका जो थंबप्रिंट है उसको लेते हैं, ठीक है, एंड आपका जो आई का जो लेंस है, ठीक है, उसका वो स्कैनिंग करते हैं, तो यही होती है। एंड आपसे आपका रोल नंबर पूछेंगे तो वो कंप्यूटर पर आपका फीड कर देंगे एंड देन आपको एक पर्टिकुलर कंप्यूटर दे देंगे, तो उस कंप्यूटर पर आपने जो भी एग्ज़ाम आएगा टाइमिंग के अकॉर्डिंग तो आपने वो सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी वहाँ पर डाउट रहता तो आपके वहाँ पर कुछ सीनियर्स होते हैं वहाँ पर जो चला रहे होते हैं सेंटर, ठीक है, तो उनसे आप क्लियर कर लेना।
एंड रफ वर्क के लिए आप सभी के मन में ये भी डाउट रहेगा कि रफ वर्क के लिए हम क्या कुछ पेपर पेन ले जा सकते हैं, तो आप वो भी नहीं ले जा सकते, ठीक है। वहाँ पर रफ वर्क के लिए भी आपको वो पेन देंगे, वहाँ पर ही हैंड आपने जो रफ वर्क करना है वो एडमिट कार्ड के पीछे ही करना है, ठीक है। आपने और कोई पेपर नहीं लेकर जाना, एंड वो भी वहाँ पर कोई आपको एक्स्ट्रा कोई कागज़ नहीं देंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ जो एडमिट कार्ड लिया हुआ है उस एडमिट कार्ड के पीछे ही आपने जो रफ वर्क करना है, ठीक है, उसी पर ही आपने सॉल्व करना है सब कुछ। एंड आपको पता ही होगा एग्जामिनेशन कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का, एंड क्वेश्चंस आर 200 के, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे, एंड 1 मार्क दिया जाएगा जो भी करेक्ट क्वेश्चन होगा, एंड माइनस मार्क 1/3 की होगी। इस बात का आपने ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने अपनी नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है, ठीक है। आप देख रहे होंगे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। एंड जो भी आपने अनआंसर्ड क्वेश्चन छोड़ दिए उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एंड बाकी यही है कि आपने टाइम से आना है, ठीक है। 8:30 आप ये बता देना सबसे पहले कि मुझे आपकी कौन सी शिफ्ट है, ये इवनिंग की, आई थिंक इस बार इवनिंग इन्होंने शिफ्ट नहीं रखी, या इन्होंने इस बार मॉर्निंग शिफ्ट ही रखी हुई है। अगर किसी की इवनिंग शिफ्ट है तो वो मुझे कमेंट्स में बता दें, एंड अभी तक जितने भी मैंने देखे हैं एडमिट कार्ड उनकी सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट ही है, तो देखते हैं इस बार इवनिंग शिफ्ट होती है या नहीं होती। तो इसमें यही है कि एंट्री टाइम इन्होंने बताया हुआ था एडमिट कार्ड में, तो एडमिट कार्ड में मैं एंट्री टाइम बता देता हूँ। तो एंट्री टाइम आप देख रहे होगे, रिपोर्टिंग टाइम जो है वो है 7 AM, ठीक है। तो बेसिकली 7 AM की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आप 7:30 बजे भी वहाँ पर आओ कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जब वो एंट्री क्लोज कर देंगे, ठीक है ना, उससे बाद नहीं जाना। आप देख रहे होगे 8:30 की एंट्री है, ठीक है। तो 8:30 से पहले पहले आपने एग्ज़ाम हॉल में वहाँ पर चले जाना है, ठीक है। आप 7:45 पर भी वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, अपने वहाँ से जब वहाँ खड़े हो, एंड आप 8:30 से भी, मेरा कहने का मतलब है कि आप 8:30 से पहले पहले एग्जाम हॉल में पहुंच जाना, ठीक है। एंड बाद में आपका जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो 9 से लेकर 12 बजे तक होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, आपको पता ही होगा। एंड बाकी आपका अगर यहाँ पर आपने कुछ नहीं यहाँ पर सॉल्व करना, ठीक है, आपने ऐसे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, थंब इम्प्रेशन, वो वहाँ पर ही आपके जो करने हैं, ठीक है, साइन करने हैं आपका थंब इम्प्रेशन, वहीं पर ही वो करा लेंगे। एंड आपने इन्होंने बताया हुआ है कि फुटवेयर में आपने कोई थिक सोल्स के कोई भी ऐसे नहीं पहन कर जाने, ठीक है, वो वहाँ पर नहीं तो ये ऐसे इनको उतार देते हैं शूज़ को, ठीक है, तो आपने ये भी नहीं पहन कर जाने। तो यही है बेसिकली इसमें, ठीक है। इन कॉलम्स को भी आपने वहीं पर फिल करना है, एंड वो आपको बता देंगे किस में क्या फिल करना है, किस में क्या फिल करना है, ठीक है। तो ये इन कॉलम को भी अभी आपने कुछ नहीं भरना, एंड ये सारा का सारा एडमिट कार्ड ऐसे ही सेम आपने एडमिट कार्ड उठाकर अपना प्रिंट आउट कराकर क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए, आपने वहाँ पर पहुँच जाना है, ठीक है। एंड यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। नॉर्थसाइड के रिगार्डिंग और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आएगी हम सबसे पहले इस चैनल पर बता देंगे, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।